हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में। यह बीमारी ज़्यादातर जन्म से पहले और मस्तिष्क में चोट लगने के कारण होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पारस हॉस्पिटल के HOD पेडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष मनन। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सेरेब्रल पॉल्जी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? धन्यवाद। सेरेब्रल पॉल्जी एक बीमारी है जो कि बच्चों में, जैसा कि आपने बताया, जन्म से पहले हो सकती है। मैं आपको बता दूं, बच्चों के जन्म के पहले भी हो सकती है, जब बच्चा माँ के पेट में है, या जन्म के दौरान अगर कोई दिक्कत आई हो तब, या जन्म होने के बाद 3 वर्ष तक कोई दिमागी बीमारी की वजह से अगर बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम आई हो तो यह हो सकती है। ये एक नॉन प्रोग्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस ना कर रहा हो, ऐसी बीमारी ब्रेन की जिसमें कि ब्रेन के डेवलपमेंट में कोई इश्यू हो, ब्रेन में कोई ब्लीड हुआ हो, ब्रेन में कोई लिजन हुआ हो, प्री मेच्योर बच्चा अगर हो रहा हो तो उसकी वजह से ब्रेन के वाइट मैटर में कोई प्रॉब्लम आई हो, बच्चे की ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो पेट के अंदर जब वो माँ के है उसकी वजह से, या बच्चा हो रहा है उस समय बर्थ एस्फिक्सिया हो, वो एक कारण हो सकता है, या होने के बाद यदि कहीं बच्चे को मेनिंजाइटिस हो या दिमागी प्रॉब्लम हो या बहुत सीवियर सेप्सिस हो या ऐसी कोई बीमारी जिसकी वजह से कि बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई हो, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कि हम ये बीमारी जिसको कि हम सेरेब्रल पॉल्जी ये कहते हैं जी। इसके प्रकार अगर आप मुझसे पूछना चाहें जी। कई तरह के है ये। एक तो होता है स्पास्टिक, जिसका मतलब जो शरीर में जो मसल्स हैं उसकी टोन बढ़ जाती है। स्पास्टिक में भी स्पास्टिक हेमिप्लेजिया, यानी एक तरफ के जो मसल्स हैं उसकी टोन बढ़ गई। फिर स्पास्टिक डाइप्लेजिया, यानी दोनों पैरों की टोन ज्यादा है, हाथों की ठीक है। स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, यानी एक हाथ या एक पैर की जो टोन है वो बहुत ज्यादा है, बाकी शरीर ठीक है। फिर हाइपोटोनिया, यानी चारों लिम्स की टोन जो है वो कम है। फिर स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, यानी दोनों हाथ और दोनों पैरों की मसल्स ज्यादा है, अकड़न है। इसमें सिर्फ यही नहीं होता, इसमें और भी कई लक्षण है, आपके अगले सवाल आएंगे तो मैं उसका आंसर करूंगा। ये प्रकार है, और एक और तरीके से हम इसको डिवाइड ये कर सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। बाकी जब डिटेल्स में आप पूछेंगे मैं इनके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल डॉक्टर, मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही है कि सेरेब्रल पॉल्जी का लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण शुरुआती में बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा हुआ ना उस समय पकड़ना मुश्किल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे 3 महीने पे बच्चा गर्दन संभालता है, मुस्कुराता है, उसके बाद 6 महीने पे बच्चा सपोर्ट के साथ बैठता है, 9 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के बैठता है, 9 महीने का बच्चा क्रॉल करता है, 1 साल का जो बच्चा है वो सपोर्ट के साथ चल सकता है, 1 से 1.5 साल के बीच में वो चल सकता है। जब हम ये देखते हैं कि इन बच्चों में माइलस्टोन्स धीरे धीरे डिले हो रहे हैं, कुछ जो आना चाहिए था समय से वो नहीं आता, या पेरेंट्स कभी कभी आके बताते हैं कि बच्चा सिर्फ एक ही हाथ यूज करता है, दूसरा यूज नहीं कर रहा, या कभी कभी माँ खुद आके बताती है कि मुझे लगता है कि इसके पैरों में अकड़न ज्यादा है, ये जब मैं मुड़ती हूँ तो आराम से मुड़ता नहीं है, थोड़ा जम लगाना पड़ता है, इस तरह के सिम्टम्स के साथ जनरली वो आते हैं, तो फिर हम उसको इन्फेंसी में ही पकड़ पाते हैं। कई बार इस तरह से आते हैं कि इसने अभी तक चलना शुरू नहीं किया, तो हम देखते हैं कि 2 साल का हो गया चलना शुरू नहीं किया, अच्छा कहीं पैरों के टोन ज्यादा तो नहीं है, कोई और माइलस्टोन तो डिलेट नहीं है, तो इस तरीके से पकड़ा जाता है। तो और कई बार जो नॉर्मल सोशल माइलस्टोन्स होते हैं वो भी डिलेड होते हैं, क्योंकि कुछ सेरेब्रल पॉल्जी के बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। जी डॉक्टर, ये कब दिखाई देते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद ये कब दिखाई देता है, कब पता चलता है इसका बेसिकली? तो ये जैसे पैदा होते ही पकड़ना मुश्किल है, मैं वही कह रहा था, जैसे जैसे माइलस्टोन्स बच्चे के आने शुरू होते हैं, जैसे बैठने का मैं बता रहा था, क्रॉल करने का बता रहा था, खड़े होने का बता रहा था, वो चीजें जब डिले होना शुरू होती है तब सस्पिशन जागते हैं कि कहीं ये कारण तो नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि कारण डिलेड माइलस्टोन्स के कई हो सकते हैं, इसमें से ये सेरेब्रल पॉल्जी सिर्फ एक है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। और एक चीज और बता दूं कि पिछले 4 दशकों से पूरी दुनिया भर में सेरेब्रल पॉल्जी का जो इंसिडेंस है ये कम नहीं हुआ है, जितना 40 साल पहले था उतना ही आज भी है। तो ये एक जो समस्या है ये इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर, इसके कारण क्या है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है, मतलब इंडिया में इतना क्यों है पॉपुलर और कॉमन? इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में है। इसके कारण 3 टाइप से मैं आपको डिवाइड करूंगा। एक तो बच्चा पैदा होने से पहले क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा पैदा होते समय क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा पैदा होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
होने के पहले अगर किसी वजह से माँ की खुराक ठीक ना हो, या मदर को कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, या मदर को सीजर्स हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, गए माँ की प्रॉब्लम्स है ना उसकी वजह से, या किसी वजह से ऑक्सीजनेशन की कमी माँ के यूट्रस की जो बच्चा यूट्रस में है वहां पहुंच रही हो, या उसकी ग्रोथ ठीक से ना हो रही हो, डाइट इनएडिक्वेट हो, स्ट्रेस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फिर कोरियोएम्ब्रियोनाइटिस हो, कई तरह की इस तरह की मदर की जो प्रॉब्लम्स है जो कि बच्चे पे असर कर सकती है, बच्चे की ग्रोथ में जब वो माँ के कोख में है कर सकती है, ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि ब्रेन में कभी ऑक्सीजनेशन की कमी हो। दूसरा, अगर बच्चा समय से पहले हो जाए, प्री मेच्योर बच्चों में ये होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कोई 28 हफ्ते 30 हफ्ते पे बच्चे हो जाए, जरूरी नहीं कि सब में होगा लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि ब्रेन इमेच्योर होता है, तो एक ये है। फिर होते समय अगर कई बार होता है कि बच्चा कहीं घर पे डिलीवर हो गया, कहीं और डिलीवर हो गया, जहां पे कि होने के बाद बच्चा को सांस ना आया हो समय से, या काफी देर तक ऑक्सीजन की कमी रही हो, एक ये कारण है जी। फिर होने के बाद कभी कभी बच्चों में बीमारियां होती, मैं आपको बता दूं, होने के बाद 3 साल की उम्र तक अगर बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़ा हो, जैसे मेनिंजाइटिस हो, या सेप्सिस हो, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई हो, उस वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम जो परमानेंट रह गई हो, वो भी सेरेब्रल पाल्सी के दायरे में आता है। डॉक्टर, क्या प्रेगनेंसी के किसी टेस्ट में सेरेब्रल पाल्सी का पता चल सकता है? जी नहीं, नहीं पता लग सकता। यदि कोई सोचे कि हम ऐसा टेस्ट करा लेंगे पता चल जाए बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है कि नहीं, नहीं पता लग सकता। हम जनरल चीजें पता लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं, उसका ब्रेन कैसा है, उसके ये हार्ट कैसा है, ये चीजें, अगर उन चीजों से उसमें कुछ गड़बड़ आई तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है इस बच्चे में ये प्रॉब्लम आए, लेकिन स्पेसिफिकली एक टेस्ट की ये इससे हम पकड़ लें इसको सेरेब्रल पाल्सी है, ये पता लगाना मुश्किल है। डॉक्टर, सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कैसे किया जाता है और इसके इलाज के लिए कौन कौन सी सर्जरी होती है? देखिए, इसका इलाज जो है ये एक टीम वर्क चाहिए, इसमें कोई एक इंसान के बस की नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी में एक तो होता है कि दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, दूसरा बच्चे की मसल टोन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है जिसमें कि उसके चलने में, बैठने में, फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी हेयरिंग और विजुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ऐसे बच्चों में, उसकी वजह से उसकी डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कई बार ऐसे बच्चे कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं और ऐसे बच्चों में कई बार मेंटल स्ट्रेस भी होता है, कुछ सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में ADHD भी, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी भी होती है, तो एक तो हमें एक पीडियाट्रिशियन चाहिए जो कि पूरी की पूरी इस बच्चे को कोऑर्डिनेट करे कि इसको किस किस स्पेशलिस्ट की जरूरत है। फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसका रोल आता है कि बच्चे के ब्रेन के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पास्टिसिटी है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर हमारा आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, वो कर सकते हैं, कुछ दवाइयां जैसे बैक्लोफेन हो गई मसल टोन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ बॉटुलिनम टॉक्सिन वगैरह जैसे इस तरह की दवाइयां हैं जो कि अभी इस वक्त जो है वो ट्रायल फेज पे है मसल टोन को कम करने, वो कर सकते हैं। बॉटुलिनम टॉक्सिन का एक पंप भी लगाया जा सकता है जिससे कि बच्चे के मसल टोन कम, जो बच्चे की मसल अकड़ी हुई है उसका अकड़न को रिलीज करने के लिए सर्जरी करी जा सकती है। फिर एक अभी ट्रायल फेज में बेसल गैंग्लिया का एक स्टीरियोटैक्टिक बेसल सर्जरी होती है, अगेन मसल टोन कम करने के लिए ये भी करी जाती है, लेकिन ये सब जो सर्जरीज है ये अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, ये ट्रायल फेज में है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, सेरेब्रल पाल्सी का खतरा सबसे ज्यादा किसे रहता है? सबसे ज्यादा खतरा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं एक तो वो है, या अगर किसी मदर को प्रॉब्लम हो काफी सीवियर, या मदर को प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चा होने के दौरान कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो जाए या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाए उस समय बच्चा पैदा हो, ऐसे बच्चे को हो सकती है। और तीसरा, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद अगर उसको कोई दिमागी बुखार हो गया हो, एनकेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया हो सकता है ऐसे में कि उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन अगर हमें आप पूछें कि हम किस बात पे ध्यान देते हैं, अगर प्री टर्म हो रहा हो, बहुत जल्दी हो रहा हो, बहुत छोटा हो रहा हो, तो हम उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं इसके माइलस्टोन्स डिलेट तो नहीं हो रहे, हम कितनी जल्दी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, सेरेब्रल पाल्सी से बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो करीब 30-50% ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में, बट इसका ये भी मतलब है कि बाकी 50% का दिमाग नॉर्मल हो सकता है, ये नहीं कि ये है। दूसरा, जो बच्चे को चलने में मुश्किल हो रही है, बैठने में मुश्किल हो रही है, अकड़न है शरीर में, तो वो डे टू डे एक्टिविटीज अपनी नहीं कर पा रहा, तो उससे उसके जो स्वाभिमान है उस पर भी असर पड़ता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है, तो उसको सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी पे जा रहा है, कभी वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे जा रहा है, किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी डॉक्टर, ये चीज। दूसरा ये है कि मूवमेंट कम होने की वजह से कभी कभी बच्चे किसी एक पोजीशन में लेटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों में कभी कभी बेड सोर्स भी हो जाते हैं, कभी कभी बोन्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बाकी
कई सेरेब्रल पैलसी के ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें दौरा पड़ने का भी आशंका होती है, करीब 15-20% ऐसे बच्चे होते हैं, उनको हमें सीजर की दवाई भी देनी पड़ती है। तो ये एक ओवरऑल चीज है, ओवरऑल एक पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज है, सोसाइटी के लिए भी चैलेंज है। ओके डॉक्टर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी और फिजिकल थेरेपी पीटी का क्या है, मतलब ये क्या है और सेरेब्रल पॉल्जी से पीड़ित लोगों पर कैसे असर करती है ये? ये एक बहुत ही दिस इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट एक्चुअली। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब हम क्या करें कि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए, खुद ही अपना काम अपने आप कर ले। तो हम बच्चे को क्या करें कि वो आगे चल के ऐसा ना हो कि किसी पे निर्भर रहे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी में एक ही उसके अंदर लेके चलूंगा, जिससे कि बच्चे के जो मसल स्टोन है वो मसल टोन है वो कम हो, किसी एक पाँव की टोन ज्यादा है किसी की कम है, उस हिसाब से वो एक्सरसाइज कराते हैं, बच्चे को बैठना सिखाया, बच्चे को काम करना सिखाया, जो बोल नहीं पा रहा उसको बोलना सिखाया, सामान उठाना, चीजें करना। और इसमें काफी डिटेल्स है, ये फिजियोथेरापिस्ट उनके काफी डिटेल्ड इसका प्रोग्राम होता है जो कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। और उसमें हमने देखा कि फर्क पड़ता है, और जितनी जल्दी इसमें हम इंटरवेंशन लाए उतना ज्यादा बच्चे में आगे जाके फर्क पड़ता है। मैंने इतना तक देखा जो बच्चा नहीं चल पा रहा था उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी कराई, उसके 1-2 साल बाद कराने के बाद बच्चा चलने में सक्षम हो गया। तो ये बेसिकली एक तरह की स्पेशल टाइप की एक्सरसाइजेस हैं और थेरेपीज हैं जो कि मसल को इधर उधर, बॉडी को इधर उधर करना, जो ये जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, तो इससे बच्चे को फायदा होता है। डॉक्टर, क्या इसके बाद बच्चे आम जीवन जी सकते हैं और दूसरे बच्चों की तरह अपनी जिंदगी में वही चीजें कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल होना ये इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन काफी हद तक वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए बच्चा, अपना काम खुद कर ले, आगे चल के अपने जीवन में अपनी रोटी खुद कमा ले और खुद ले, यहाँ तक बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपने देखा होगा और टीवी में सोशल मीडिया में भी काफी सुना होगा। तो आत्मनिर्भर तो हो जाते हैं ये लोग, और डिपेंड करता है कि ये जो बीमारी है बच्चे में, जो सेरेब्रल पैल्सी है, वो माइल्ड तरह की है, मॉडरेट है या सिवियर है। जो सिवियर है उसमें प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, माइल्ड है वो काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए ऐसा कहना मुश्किल। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में कौन सी सावधानियां बरतने से बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है? बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने। एक तो माँ का पूरा तरह से ख्याल रखा जाना चाहिए, मदर की डाइट का ख्याल रखा जाना चाहिए, मदर में स्ट्रेस ना हो, रेगुलर विजिट्स टू द डॉक्टर, रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो होते रहने चाहिए ताकि पता चलता रहे कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और किसी भी स्टेज में अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं प्री मेच्योर डिलीवरीज की बात कर रहा हूँ, कई बार है कि गायनेकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि इसकी डिलीवरी शायद पहले हो सकती है, और वो कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि डिलीवरी को प्रोलॉन्ग कर सके ताकि बच्चा समय से जल्दी ना हो। कई बार ऐसा हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता, और कई बार ऐसा लगता है कि अब प्री मेच्योर डिलीवरी का हम रोक नहीं सकते। तो ऐसे में किसी ऐसे सेंटर में मदर को भेजना जहाँ पे कि अगर बच्चा प्री मेच्योर हो भी तो एक वेल इक्विप्ड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो जो कि उस तरह के बच्चे का ख्याल रख सके, जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, उसके ऑक्सीजन की कमी ना हो, और जो बेस्ट केयर उसको दी जा सके वो हो सके। तो ये कुछ बेसिक चीजों का अगर हम ख्याल रखें तो मैं इसके बावजूद भी हम मैं ये नहीं कह सकता कि आप बचा पाओगे, लेकिन हम इसको कम जरूर कर पाएंगे। ओके डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल ये है आपसे, सेरेब्रल पॉल्जी वाले बच्चों के लिए क्या अलग स्कूलों की जरूरत होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 30-50% ऐसे बच्चे हैं जिनमें कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लेकिन बाकी जिनमें नहीं है अगर वो नॉर्मल स्कूलों में जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। वो अगर बाकी बच्चे उनका सहयोग दें, उनके साथ पढ़ें, तो वो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है और उनकी लर्निंग भी बेटर होती है। क्योंकि अगर मान लो कि 50% बच्चे जो मेंटली बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनके चलने फिरने में या मसल जो टाइट है या स्पास्टिसिटी है उसकी वजह से है, तो वो जीवन में जाके आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जो सेरेब्रल पॉल्जी से बच्चे पीड़ित हैं या लोग पीड़ित हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये सजेशन है कि जब भी कोई सस्पिशन हो कि बच्चे में कोई दिक्कत है, आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का निवारण जितनी जल्दी हम उसको इंटरवीन करेंगे उतने ही अच्छा हमारे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है। जितना आप डिले करोगे वो रिजल्ट, जो भी थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, या न्यूरोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन हो, या कोई मेडिसिन देनी हो, अभी तो ये एक बहुत ही डेवलपिंग फील्ड है, इसमें काफी प्रोग्रेस हो रहा है और नई नई चीजें आने वाली है। तो जितना हम उस प्रॉब्लम को डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम वो परसिस्ट करेगी और फिर उसका रिकवरी जो है वो उतना अच्छा नहीं होगा जो कि हम अगर अर्ली इंटरवीन करें तो। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।
आज हमने सेरेब्रल पॉल्जी के बारे में जाना और कौन सी सावधानियां बरत के अपने बच्चों को ऐसे जन्मजात रोग से बचा सकते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। टुडे डॉक्टर्स आर बिजियर देन एवर प्रोवाइडिंग केयर एंड एडवाइस टू पेशेंट्स, एंड द रियलिटी इज दैट एन एवरेज पेशेंट नाउ स्पेंड्स मच मोर टाइम इन द वेटिंग रूम देन इन द डॉक्टर्स चेंबर। विद सच अ कैप्टिव ऑडियंस, इट्स टाइम टू पुट देयर वेट टाइम टू गुड यूज। Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.